हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। नई वीडियो में लेके आया हूँ आप सबके लिए निकॉन का D5300 कैमरा। बिगनर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही मॉडल है। मेरे पास एक डिस्प्ले पीस अवेलेबल है, इसका अनबॉक्स करके दिखाऊँगा कि क्या क्या कंडीशन है, मीन्स कंडीशन क्या है और एसेसरीज इसके अंदर क्या है और कितने यूज़ हुआ है। तो आप सबसे मेरा गुजारिश है कि मेरे चैनल कैमरा कॉर्नर 2 को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन बटन प्रेस करना। तो आइए देखते हैं अनबॉक्स करके कि हमें इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले अगर हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें कुछ कैसेट्स मिलते हैं और D5300 का यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें हम सीख सकते हैं कि कैमरे को कैसे यूज़ करना है। और ये मैनुअल CD है इसके साथ सॉफ्टवेयर्स का। अगर इसको साइड पे रखते हैं और कैमरे को ओपन करते हैं बॉक्स को, सो हमें मिलता है निकॉन D53 का एक खूबसूरत सा बिल्ड, जो अपने अपनी ही शॉपर में पैक हुआ है। बिल्ड के बाद यानी स्ट्रिप के बाद अगर देखा जाए तो इसका चार्जर है, क्लिप वाला चार्जर है ओरिजिनल, इसके साथ EL14 मॉडल। चार्जर के बाद अगर हम देखते हैं तो इसका EV केबल मिलता है, जो हम TV के साथ इसको अटैच कर सके। EV केबल बिल्कुल ओपन नहीं हुआ ना यूज़ हुआ है। सो EV केबल के बाद अगर हम बॉक्स से निकालते हैं तो इसका डेटा केबल है। डेटा केबल इसका कंप्यूटर डेटा केबल है, डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये हो गया इसका डेटा केबल। डेटा केबल के बाद अगर हम देखते हैं तो ये इसका EL14 बैटरी है, ओरिजिनल बैटरी, बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं है बैटरी के ऊपर, ना होने के बराबर ये कैमरा यूज़ हुआ है। सो ये हो गया इसका बैटरी। बैटरी के बाद अगर हम बॉक्स से निकालते हैं तो इसका एक खूबसूरत सा लेंस मिल जाता है हमें, जो 18-55 लेंस है। 18-55 नया वर्जन लेंस है, जो आपको वीडियो में हेल्प आउट करेगा। इसका जो मोटर है साइलेंट मोड है, वीडियो में आपको बहुत सारा हेल्प देगा। तो ये हो गया 18-55 लेंस। अगर एंड में निकालते हैं तो ये हो गया इसका खूबसूरत सा बॉडी D5300। ये हो गया आपका D5300 कैमरा। D5300 बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, विदाउट स्क्रैच कैमरा आप परचेस कर सकते हो यूज़ वाले प्राइस पे। डिस्प्ले पीस है, कोई भी बंदा इस कैमरे में इंटरेस्टेड हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन भी परचेस कर सकता है, नहीं तो मेरा शॉप कैमरा कॉर्नर 2 विज़िट कर सकता है। वीडियो के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, सो उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन ये कैमरा परचेस कर सकता है। सो ये हो गया आपका D5300 का अनबॉक्सिंग और कंडीशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।